नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की हलचल अब और ज्यादा बढ़ने लगी है। एक तरफ प्रत्याशी पार्टी सिंबल को लेकर उत्साहित दिखे तो कहीं निर्दलीय भी अपनी जीत का दावा ठोकने में आगे दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें सूबे की राजधानी लखनऊ की तो जहां कदम रसूल वार्ड संख्या 84 में प्राइम टीवी की टीम ने क्षेत्र की जनता से इलाके की जन समस्या और वार्ड से खड़े हुए प्रत्याशी के बारे में भी जाना है। जवाब बड़े दिलचस्प थे क्योंकि निवर्तमान पार्षद और उनके पत्नी इस इलाके से कई बार जीत कर पार्षद रह चुके हैं। वही बात करें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नदीम खान के बारे में तो इनका नाम इलाके में बेहद चर्चित है। युवा चेहरा और इलाके में परिवार द्वारा समाज सेवा भी उन्हें जीत की तरफ ले जा सकती है। छोड़ चलते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के साथ। नगर संग्राम के इस खास कार्यक्रम में आप आज हम राजधानी लखनऊ के कदम रसूल वार्ड नंबर 84 पर है। हमारे साथ यहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोग जुड़ेंगे क्योंकि चुनाव आने में महज कुछ ही दिन बाकी है और 2 तारीख के बाद शाम को 5 बजे के बाद चुनाव प्रसार थम जाएगा। उसके बाद 4 तारीख को प्रथम चरण की वोटिंग है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, स्थानीय लोग हैं, इनसे जानेंगे कि ये क्या कुछ समस्याएं हैं आप लोगों की और किन समस्याओं को लेकर एक बार आप फिर से वोटिंग देंगे या फिर क्या लगेगा आपको कि इस बार आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो पाए। क्या शुभ नाम है आपका? नफाद अली। अली जी, ये बताइए क्या मुख्य समस्याएं हैं इस वार्ड की? क्या ये है कि जो पानी बहुत गंदा आता है, पानी है, रोड है, रोड बहुत, सड़कें बहुत ख़राब हैं, नालिए हैं, बस यही दिक्कतें चल रही हैं 20 साल से। ये सब कोई मतलब सही नहीं हुई अभी तक, जैसी हैं वैसी की वैसी पड़ी हैं। कभी सीवर लाइन से पानी बहने लगता है, ये मतलब जो समस्या है वो सही नहीं हो रही, मतलब जो है तो वो वैसी पड़ी हुई है। तो यही दिक्कतें हैं सब, मतलब आगे मतलब जो नेता है हमारा वो सही करे, जो भी युवा नेता है नदीम भाई जैसे हैं मेरे, वो मतलब पूरे क्षेत्र में देखभाल करते हैं। नए नेता हैं अभी, इतना उनको तजुर्बा भी नहीं, मतलब उनको चांस देने का मतलब हम लोगों ने पूरा सोचा है कि वो बने आगे। इससे पहले आप लोग ने किसको चांस दिया? इससे पहले हमारे पार्षद हैं सगीर। हाँ, सुना ये है कि वो 4 बार रह चुके हैं उनके घर से। जी, 4 बार रह चुके, मतलब 1 बार उनकी, 2 बार उनकी बीवी, 1 बार, 2 बार नेताजी मतलब रह चुके हैं। अच्छा, हाँ, पानी की समस्या मतलब बहुत ज़्यादा, पानी चक्कर में आदमी बीमार मेरे महल में बहुत पड़ रहे हैं, बस यही समस्या है। नहीं तो वोट तो आप ही लोग ने दिया होगा ना इससे पहले? मतलब क्योंकि 4 बार पार्षद होना कोई कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है आपस में अपने में, क्योंकि वोट तो आप ही लोग ने दिया होगा। फिर आप जो है काम वाम नहीं हो रहा, पानी लाइन अभी 3 महीने यूँ ही खराब पड़ी रही हमारे महल्ले में, और पार्षद जी आए भी नहीं, उनका एक लड़का है मतलब साहब वो आए थे देखें लेकिन इतना काम नहीं हुआ। दूसरे महल्ले वालों ने हमारे आके देखा बाली करी सब, पानी की समस्या ज़्यादा है, चंदा करा मतलब दौड़ भाग करी पूरे महल्ले ने सब, ये मतलब हुआ। चलिए एक और भाई, भाई क्या नाम है आपका? सरफुद्दीन भाई। सरफुद्दीन, ये बताइए कि जैसे कि भाई ने बताया कि पानी की मुख्य समस्या है, पानी ये एक मिनट ये बताइए पिछले 20 सालों में आप लोग को समस्या नजर नहीं, अब क्यों नजर आ रही है? नजर क्या अब देखा जाता है कि हाँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से देखा जा रहा है। अब नदीम भाई मेरे अब आए हैं तो उनको भी देखा जाएगा। किस पार्टी से नदीम भाई? समाजवादी पार्टी से। क्या लगता है कि वो टक्कर दे रहे हैं इस बार क्षेत्र? टक्कर क्या वो जीतेंगे? फुल मोहब्बत से जीतेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक स्थानीय पार्षद के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं नदीम, वो समाजवादी पार्टी से हैं और उनके लगभग हमें समर्थक भी नजर आ रहे हैं। एक और भाई, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम भैया आपको? थोड़ा रियान खान। रियान भाई, क्या क्या ऐसी क्या दिक्कतें आ गई? बहुत ज़्यादा समस्या बताई जा रही पानी की, रोडों की, लेकिन रोड तो मुझे ठीक ठाक यहाँ पर दिख रही है। 20 साल इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, ये सोच लिया अब नया हम चुनना चाहते हैं, जैसे यामिन भाई है, नदीम भाई है, इन्हीं ने करा है गरीबों लोग के साथ, बहुत कुछ करा इन्हीं ने, पूरे लॉकडाउन राशन बांटा इन्हीं ने, और ये आगे चल के हम लोग के लिए करेंगे भी, ये सोच लिए हमें, बस नया नेता चाहिए अब 20 साल कुल मिला के 20 साल आप लोग ने देखा, अब जो है आप लोगों को एक नया चेहरा चाहिए। जी जी, इन्हीं ने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, विकास कुछ नहीं किया, अपना कर लिया खाली, दूसरों गरीबों का नहीं किया। चाचा, अपना विकास कैसे किया? थोड़ा आगे कोई वार्ड का कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एक जरा सा भी। 20 साल के सफर से तो कुछ करना ही चाहिए, वही जीत जाते हर काम करते, लेकिन कुछ भी नहीं किया इन्हीं ने, सिर्फ अपना विकास किया। रोड देख लीजिए, पानी के लिए 2 महीने परेशान रहे लोग, 2 महीने समझ लीजिए आप, औरतें आदमी सब परेशान रहे पानी के लिए, और इतनी दिक्कत थी कि पानी की कुछ पूछिए नहीं आप। गलियों में पानी भी भर गए तो कहने लगे ये हमारा काम नहीं है,
गलियों में सीवर का पानी भी भर जाता है। हाँ, पानी पानी गंदे गंदा पानी पीने वाले पानी से मिल गया था, ये समझ लीजिए आप। शिकायत उगायत नहीं की क्या आप लोग? सब करी थी, गए लोग तो कहने लगे ये हमारा काम नहीं है। अब बताइए ये पार्षद जी इनका काम है या दूसरे काम? जन समस्या को निपटाना तो पार्षद का काम है नहीं, आप बताइए किसका काम है? जब आप पार्षद हैं तो इन्हीं का काम है, आप बताइए जो है। जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बुजुर्ग थे, चाचा भी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं वो नाखुश हैं जो मौजूदा नहीं वर्तमान पार्षद हैं, और वो शायद ये लोग यहाँ पर एक नया चेहरा भी चुनना चाह रहे हैं जो मोहम्मद नदीम खान के रूप में उभर कर आ रहा है और समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। एक भाई हमारे साथ बहुत देर से वेट कर रहे हैं बात करने का, क्या शुभ नाम है आपका? नूर अली। नूर, ये बताइए युवा हैं आप और इससे पहले भी आपने शायद वोट दिया कि पहली बार है? दिया है, वोट दिया है। तो जाहिर सी बात है जो निवर्तमान पार्षद उन्हीं को दिया होगा, मैं किसी व्यक्तिगत इंसान पे या टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। और ये बताइए क्षेत्र में विकास हुआ? नहीं हुआ। 19 तारीख वाले झगड़े में इतनी गिरफ्तारियाँ हो रही थी, 19 तारीख वाले झगड़े में इतनी गिरफ्तारियाँ हो रही थी तो पार्षद जी जो थे वो उम्रे पे गए हुए थे, ठीक है। पूर्व मंत्री यामिन खान जो साहब जो हैं उन्होंने घंटा घर पे भी जाके जमानतें कराई लोगों की, वकील लगाए, पार्षद जी उम्रे पे गए हुए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ठीक है। उसके बाद में लॉकडाउन में भी कोई सुनवाई नहीं, पार्षद यामिन खान ने जो है यामिन खान ने राशन बांटा 3 महीने, ठीक है। वो सिर्फ अपने घर में कैरम हो रहा, कुछ भी हो रहा है उससे मतलब है, ठीक है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो नहीं वो तो चलिए ठीक है, अलग अलग गिरफ्तारी की बात अलग है, लेकिन मैं विकास की और बात करूंगा ना, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है। एक मिनट, नगर निगम का चुनाव है, जाहिर सी बात है विकास की तरफ आदमी बढ़ता है। सड़क नाली खड़ंजा जो सीवर है, तमाम समस्या है। क्या लगता है कि नदीम भाई अगर जीत के आते दूर करेंगे? हाँ, बहुत दूर करेंगे, सब कुछ दूर होगा इंशाल्लाह। और अभी 3-4 महीने पहले जब जारी महल में पानी की इतनी परेशानी थी, सब रोडें खुदवा दी गई थी, पानी के लिए इतने परेशान हो रहे थे, सब लोग नदीम भाई पास आए, उन्होंने कहा ठीक है टंकी सही करवाएंगे, जो परेशानी हो बताओ हमसे। उन लोगों पास गए, उन लोग तारीख पे तारीख हर इतवार को आए, यहाँ टंकी लग जाएगी, वहाँ टंकी लग जाएगी, अभी तरह की टंकी कहीं लगी नहीं है पानी की। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे हमारे साथ कुछ भाई लोग थे, यहाँ के क्षेत्रीय लोग थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं या और सबके दिलों में राज करते हैं वो हैं मोहम्मद नदीम खान, और वो एक नया चेहरा लाना चाहते हैं क्योंकि विगत 2 दशकों में अभी तक इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ, और शायद उन्हें लगता है कि इस बार अगर नदीम खान चुन के आते हैं तो क्षेत्र का विकास पूरी तरह से करेंगे। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।